दोस्तों आज हम जानेंगे जायंट स्टॉर्म यानी कि बहुत बड़े तूफान के बारे में जो 2 से 3 पृथ्वी को यानी कि अर्थ को निगल सकता है। यह विशालकाय तूफान लगभग 350 वर्षों से है। इस तूफान की जो घूमने की स्पीड है वह है लगभग 644 किलोमीटर प्रति घंटा और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। तो आइए जानते हैं इस विशालकाय तूफान के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं हमारी पृथ्वी पर अब तक के लॉन्गेस्ट स्टॉर्म यानी कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले तूफान के बारे में। तो भाई देखिए, पृथ्वी पर अब तक के रिकॉर्डेड लॉन्गेस्ट स्टॉर्म की बात करें तो 1994 में एक तूफान आया था जिसका नाम है हरिकेन जॉन। हरिकेन जॉन प्रशांत महासागर में आया था और यह 31 दिनों तक चला था और इन 31 दिनों में यह तूफान 13,280 किलोमीटर की दूरी तय किया था और इस तूफान की जो अधिकतम घूमने की स्पीड थी वह 280 किलोमीटर प्रति घंटा था। लेकिन दोस्तों आज हम जिस तूफान के बारे में जानेंगे वह केवल 31 दिनों तक नहीं बल्कि मोर देन 350 वर्षों से है और हो सकता है कि आने वाले 100-200 वर्षों तक और रहे। और इसके आउटर विंड की घूमने की स्पीड 280 किलोमीटर नहीं बल्कि 644 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के जो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह है इसकी स्पीड जो पलक झपकते ही आपके आंखों से ओझल हो जाती है। तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में यह सन है और यह है 8 प्लेनेट। इन 8ों प्लेनेट में सूर्य की तरफ से सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ, देन मार्स। मार्स के बाद ये जो आपको दिख रहा है यह है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद यह जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो देखिए ये जो प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर सन से 5वां प्लैनेट है और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका मास बाकी 7 प्लैनेट के कुल मास का 2.5 गुना है, मतलब इतना विशालकाय है जुपिटर। तो जुपिटर पर ये जो लाल धब्बा आपको दिख रहा है यही है हमारे सोलर सिस्टम का जायंट स्टॉर्म, मतलब विशालकाय तूफान जो 2 या 3 पृथ्वी को पूरी तरह से निगल सकता है और इसको ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट 1665 से ही एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका इनिशियल ऑब्जर्वेशन 1831 में किया गया। उस समय इसका डायमीटर 41,000 किलोमीटर था जो 3 पृथ्वी को निगल सकता था, क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो डायमीटर है वह 12,742 किलोमीटर है। लेकिन समय के साथ ग्रेट रेड स्पॉट का जो साइज है वह कम होता जा रहा है और खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रेट रेड स्पॉट समय के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सन 1979 में जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट वहां से गुजरा तो इसे ऑब्जर्व किया कि ग्रेट रेड स्पॉट की जो लंबाई थी वह लगभग 23,300 किलोमीटर और चौड़ाई 13,000 किलोमीटर थी। फिर जब 1995 में हबल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो इसकी साइज में और कमी दिखाई दी जो 20,950 किलोमीटर था। 2009 में इसकी साइज 17,910 किलोमीटर और 2015 में जब इसको मेजर किया गया तो इसकी जो साइज थी वह रिड्यूस होकर 16,500 × 10,940 किलोमीटर रह गया। इस हिसाब से इसकी जो साइज रिड्यूसिंग रेट है वह 930 किलोमीटर पर ईयर है, मतलब हो सकता है कि 2030 से 2035 तक ग्रेट रेड स्पॉट समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि जुपिटर की एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री के बारे में अभी तक बहुत ही लिमिटेड जानकारी मिल पाई है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।